पितरों के नाम का गौ माता के आगे अर्जी लगानी चाहिए। गौ माता हमारे जो करोड़ों जन्मों के पितर गए हैं उनको भी अपने गांव अपने देश में गौ माता अपने वहां वास करें और हमारा जो परिवार है सुख शांति से जब वहां वो गौ लोग धाम में रहेंगे वहीं से आपको वो आशीर्वाद आएगा, उससे ही सारी प्राप्ति होती है। तो इसलिए गौ माता की सेवा रक्षा और सुरक्षा ये जरूर करनी। आपने देखा गौ माता के नाम पर ही गोत्र बना, गाय के ऊपर ही गौ बने, गौ माता के ऊपर ही महाभारत हुई, गौ माता के रिलेटिव सब कुछ हुआ। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा हर वक्त करते रहना चाहिए। जब कहीं गौ माता ना भी मिले तो अपने ध्यान में जहाँ भी हमने गौ माता को देखा हो उस पर ध्यान करें, तभी गौ माता का आपको फल प्राप्त होता है। हम बड़े भाग्यवान जीव हैं, ये जम्मू कश्मीर जो धरती है देव भूमि है, कलकत्ता में 100 किलोमीटर में आपको गाय नहीं मिलेगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ गाय नहीं मिल सकती, उनको गाय नहीं मिलती। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें गाय के दर्शन होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई गाय के लिए कुछ ना कुछ लेने आ जाता है। हम बहुत भाग्यवान जीव है जो देश हमारा जम्मू कश्मीर जूटी, यहाँ भगवान की बहुत कृपा है, धर्म भूमि है। श्रीनंद किया बोला है श्री श्री को ने लक्ष्मी लक्ष्मी नगर अनंत वासुदा भगवान शयन करते हैं जब सही स्नान पर, तो यही है सारा। ये कश्यप ऋषि ने बसाया था, सब पानी था, पानी से यहाँ सारे देवी देवता निवास किए, पांडु ने यहाँ वनवास काटा, सारे देवी देवता यहाँ आए, भगवान का यहाँ जमंत के साथ युद्ध हुआ, शंकर जी मानतलाई में शादी हुई। यहाँ बहुत से इतिहास ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता, तो इसलिए हमें कहीं भी जाना हो वहाँ का इतिहास भी बड़ा जरूरी है। हमारे शास्त्री जी हैं शास्त्र का जो पूरा ज्ञान रखते हैं, ये थोड़ा विस्तार पूर्व में आपको ज्ञान का थोड़ा ये बताएंगे। शुक्र पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाल अष्टमी, जिसे हम गो अष्टमी गोपाष्टमी भी कहते हैं, वो त्यौहार जो है पूरे विश्व की तरह हर वर्ष की तरह जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति की तरफ से गौशाला जम्मू की जो सबसे बड़ी गौशाला है गौशाला अम्फला में कार्यक्रम जो है 1 नवंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूजा हवन और पूर्ण आहुति जो है वो 11 बजे होगी, उसके बाद सत्संग और 12 बजे के बाद जो जहाँ पे गौ माता को लगाया जाएगा भंडारे का, और भंडारा जो है वो 12 बजे के बाद खोला जाएगा। तो कृपया समस्त जम्मू वासियों से और विश्व में जितने भी सभी को गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो, और जो जम्मू के जम्मू वासी हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया गौशाला में आए, माता गौ माता की परिक्रमा करें। देखिए जानी कानी च पापाणी जन्मंत्र कृतानी च तानी सर्वाणी नश्यंतु प्रदक्षिणाए पदे पर। गौ माता देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर की